हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेशु और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल कुकिंग विद रेशु में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रसगुल्ले बनाने का बहुत ही आसान तरीका। अगर इस रेसिपी में दिए हुए मेजरमेंट और इंस्ट्रक्शंस आप फॉलो करेंगे तो बिल्कुल मार्केट जैसे रसगुल्ले आप घर पर बना पाएंगे, मार्केट जैसे सॉफ्ट और स्पॉन्जी रसगुल्ले बना पाएंगे आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी को। रसगुल्ले बनाने के लिए लिया है मैंने गाय का दूध 1.5 लीटर। अगर गाय का दूध नहीं है तो आप इसकी जगह पर टोंड मिल्क भी ले सकते हैं। और इसे मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। मैदा ली है 1 बड़ी चम्मच। मैदा की जगह पर आप सूजी ले सकते हैं, कॉर्नफ्लोर या फिर अरारोट भी ले सकते हैं। नींबू का रस 2 से 3 छोटे चम्मच, ये मैंने 1 बड़े साइज़ के नींबू का रस निकाल कर उसे छान लिया है। अगर आपके पास छोटे साइज़ के नींबू हैं तो आप 2 नींबू का यूज़ कर सकते हैं दूध को फाड़ने के लिए। चाशनी बनाने के लिए ली है 1.5 कप चीनी, लगभग 400 ग्राम चीनी है। दूध में उबाल आ गया है तो अभी गैस को ऑफ कर देंगे और 5 मिनट के लिए दूध को ऐसे ही छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद इसमें नींबू का रस ऐड करेंगे। जितना नींबू का रस है उतना ही इसमें पानी ऐड करेंगे। अगर डायरेक्ट नींबू का रस ऐड करेंगे दूध में तो जो छेना है वो बहुत ही हार्ड बनेगा, इसीलिए पानी ऐड करें पहले नींबू के रस में, तब इसे दूध में ऐड करेंगे। नींबू के रस की जगह पर आप सिरके का भी यूज़ कर सकते हैं। गैस को बंद किए हुए 5 मिनट हो गए हैं तो अब इसमें नींबू का रस ऐड करना है। नींबू का रस ऐड करने के लिए एक साथ हम नींबू का रस ऐड नहीं करेंगे, पहले थोड़ा सा नींबू का रस ऐड करेंगे। इस तरह से हल्के हाथ से इसको मिक्स करेंगे, जल्दी जल्दी मिक्स नहीं करना है इसको। एक साथ नींबू का रस ऐड करने से छेना थोड़ा हार्ड बनता है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके नींबू का रस ऐड करेंगे और बहुत ही हल्के से इसको मिक्स करेंगे, ज़्यादा जल्दी जल्दी मिक्स नहीं करना है। तो इसी तरह मैं 1 चम्मच की हेल्प से इसमें थोड़ा थोड़ा करके नींबू का रस ऐड करूँगी और मिक्स करती रहूँगी इसको साथ के साथ। दूध में से छेना और पानी बिल्कुल अच्छे से अलग अलग हो गए हैं, आप देख सकते हैं। अगर आपको लगे दूध नहीं फट रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा नींबू का रस और ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप 2 मिनट के लिए गैस को ऑन कर दें तो दूध आसानी से फट जाएगा। अब छेना और पानी को अलग अलग करना है। इसके लिए एक बर्तन के ऊपर इस तरह से कोई भी कॉटन का साफ कपड़ा डालेंगे और इसमें जो फटा हुआ दूध है उसको डालेंगे। अगर आप कपड़ा नहीं यूज़ करना चाहते तो किसी भी स्ट्रेनर का यूज़ कर सकते हैं छेना और पानी को अलग अलग करने के लिए। कपड़े को चारों तरफ से इस तरह पकड़कर उठाएंगे और आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल अच्छे से अलग हो गया है इसमें से। इसको मैं अलग निकाल दूंगी पानी को, और छेना को पानी डालकर थोड़ा सा धो लेंगे जिससे कि अगर छेना में बिल्कुल भी खट्टापन होगा तो वो नहीं रहेगा। अब कपड़े को फिर से उठाएंगे इस तरह से और एक कॉर्नर लेकर उसको बांध देंगे जिससे कि जो छेना है वो कपड़े में से निकलेगा नहीं। हल्का सा प्रेस करेंगे इसको जिससे कि पानी निकल जाए इसमें से एक्स्ट्रा हो, जो जितना निकल जाएगा उतना ठीक है, पूरी तरह से प्रेस नहीं करना है इसको। अब इसे हैंग कर देंगे, किसी भी आप टैप पर हैंग कर सकते हैं। 1 से 1.5 घंटे के लिए इसको हैंग करना है। अगर आप हैंग नहीं करना चाहते, थोड़ा जल्दी में है, तो आप इसके ऊपर इस तरह कोई भी भारी चीज़ रख दें। ये आप इस तरह से चकला रख सकते हैं ऊपर से, इस तरह जो पानी है वो बहुत ही जल्दी निकल जाता है छेना में से। 1/2 घंटे के बाद छेना को मैंने निकाल लिया है कपड़े में से और बहुत ही सॉफ्ट बना है छेना। अब इसे मैश कर लेंगे इस तरह हाथों से। छेना को क्रम्बल करने के बाद अब इसमें जो 1 बड़ा चम्मच मैदा ली है उसको डालेंगे और इसे अच्छे से मैश करेंगे, और इस तरह हथेली से मैश करेंगे जिससे कि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। चार से पाँच मिनट तक छेना को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है हथेलियों से और ये काफ़ी स्मूथ हो गया है। तो इसको चेक करने के लिए थोड़ा सा पार्ट लेंगे इसमें से और दोनों हथेलियों के बीच में इस तरह रोल करेंगे हल्के हाथ से। अभी ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर कोई भी क्रैक नहीं है,
इसका मतलब जो मिक्सचर है वो बिल्कुल परफेक्ट है रसगुल्ला बनाने के लिए। इसी तरह से मैं और भी जो रसगुल्ले हैं उनको रोल कर लूँगी। अगर आपको लगे कि इसमें क्रैक हैं तो आप थोड़ा सा इसे मैश और कर लें और स्मूथ कर लें इसको थोड़ा सा मिक्सचर को। अभी मैंने सभी रसगुल्लों को इस तरह रोल कर लिया है। ज़्यादा बड़े साइज़ के अभी नहीं बनाने हैं क्योंकि पकाने के बाद ये अपने साइज़ के डबल हो जाते हैं। अब एक बड़ा बर्तन लेंगे, ये मैंने कढ़ाई ली है, आप इसकी जगह पर कुकर ले सकते हैं या फिर कोई भगोना ले सकते हैं। इसमें 1.5 कप चीनी ली है उसको डालेंगे और 3 कप पानी डालना है। 1.5 कप चीनी के लिए मैंने 3 कप पानी डाला है इसमें। इसे मिक्स करेंगे अच्छे से जब तक कि जो चीनी है वो डिज़ोल्व ना हो जाए। और गैस की फ्लेम को मैंने हाई रखा है। चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है पानी में और इसमें बॉईल भी आ गया है। जब बॉईल आने लगेगा तभी इसमें जो छेना की बॉल्स बनाई हैं उन्हें डाल देंगे और एक एक करके डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। सभी छेना बॉल्स को चाशनी में डालने के बाद इन्हें हाई फ्लेम पर इसी तरह पकने देंगे लगभग 5 मिनट के लिए। फिर 5 मिनट के बाद इनको चेक करेंगे। 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब एक स्पून लेकर इन्हें इस तरह हल्का सा मिक्स करेंगे जिससे कि ये थोड़े से फ्लिप हो जाएंगे। और ज़्यादा तेज़ तेज़ इनको ना करें मिक्स, अगर आप तेज़ तेज़ करेंगे तो ये फट भी सकते हैं क्योंकि इस टाइम ये बहुत ही सॉफ्ट हैं। अब इन्हें हाई फ्लेम पर कुछ देर और पकने देंगे। लगभग 2 से 3 मिनट के बाद अभी जो चाशनी है वो थोड़ी सी गाढ़ी होने लगी है तो अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करेंगे। ज़्यादा पानी एक साथ नहीं ऐड करेंगे, लगभग 2 से 3 छोटे चम्मच एक बार में पानी ऐड करना है। पकने देंगे इन्हें 2 से 3 मिनट तक और हाई फ्लेम पर। 2 से 3 मिनट के बाद इसमें फिर से पानी ऐड करूँगी मैं 2 छोटे चम्मच और इन्हें पकने देंगे इसी तरह हाई फ्लेम पर। ध्यान रखें अभी इनको बिल्कुल स्पून से टच ना करें क्योंकि अगर आप इन्हें स्पून से मिक्स करेंगे तो ये टूट भी सकते हैं। लगभग 10 से 15 मिनट के बाद गैस को ऑफ कर देंगे और इन्हें रूम टेम्परेचर पर पूरी तरह ठंडा होने देंगे। रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के बाद मैंने इन्हें एक बाउल में निकाल लिया है। आप चाहें तो इन्हें अभी सर्व कर सकते हैं या फिर 1 से 2 घंटे के लिए आप इन्हें फ्रिज में रख दें और फिर ठंडा ठंडा सर्व करें। और बहुत ही अच्छे सॉफ्ट और स्पॉन्जी रसगुल्ले बने हैं। रसगुल्ले बनाते टाइम आपको केवल कुछ बातों का ध्यान रखना है जिससे आपके बिल्कुल परफेक्ट रसगुल्ले बनेंगे। जब एक बार दूध बॉयल होने लगे तो आप गैस को बंद कर दें और 5 मिनट के लिए दूध को ऐसे ही छोड़ दें। और जब भी आप नींबू का रस ऐड कर रहे हैं या फिर विनेगर ऐड कर रहे हैं दूध को फाड़ने के लिए तो पहले बिल्कुल इक्वल अमाउंट में उसमें पानी मिला लें, उसके बाद उसे दूध में ऐड करें। ऐसा करने से जो छेना है बहुत ही सॉफ्ट बनता है। जो आपने छेना बनाया है उसको लगभग 4 से 5 मिनट तक अच्छे से मैश करें हथेलियों से जिससे कि जो आपका मिक्सचर बनेगा छेना बनाने के लिए बहुत ही स्मूथ रहेगा और रसगुल्ले बहुत ही अच्छे बनेंगे। छेना बॉल्स को चाशनी में ऐड करते टाइम जो चाशनी है वो उबलती हुई होनी चाहिए और उबलती हुई चाशनी में हाई फ्लेम पर छेना बॉल्स को आपको लगभग 10 से 15 मिनट तक पकाना है और बीच बीच में हल्के हाथ से उनको हिलाते रहना है। तो बस इन्हीं टिप्स को फॉलो कीजिए आप परफेक्ट रसगुल्ले बनाने के लिए। और आपके रसगुल्ले कैसे बने आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर आपको ये रेसिपी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इस रेसिपी को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।